साथियों, अगले क्रम में हम सभी का यह बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस युवा अभ्युदय 2022 के इस क्रम में देश भर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से आप सभी जुड़े हैं, लेकिन विश्व के किसी एक कोने से हम सभी के बहुत ही अनन्य आत्मीय हमारे अपने, जैसा कि हमने कहा कि कुछ चीजें किताबों में पढ़ी जाती हैं, लोगों से सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका काम बोलता है। और एक ऐसे ही प्रखर व्यक्तित्व शरद विवेक सागर जी हम सभी के साथ जुड़ चुके हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे और अपनी तालियों के माध्यम से उनका भी स्वागत करें इस क्रम में। आप सब भले ही हजारों हजार मील की दूरी पर है, पर आप सभी जानते होंगे कि सिविल सर्विसेज की रिटर्न की परीक्षा के फॉर्मूले तो आप खूब ढूंढते हैं, तैयारी खूब करते हैं, लेकिन रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद जब इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता है साथियों, तो आपका व्यक्तित्व तो बोलना चाहिए। एक रिसर्च में कहा भी गया है ना कि एक कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा नॉन वर्बल रूप से इफेक्टिव होता है, 7% वर्बल रूप से इफेक्टिव होता है, आउट ऑफ दैट 55% बॉडी लैंग्वेज कुछ कहती है, जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, एंड 38% टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस। तो इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त शरद विवेक सागर जी जो हम सभी से जुड़ रहे हैं, और इससे पूर्व परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी जिन्होंने हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया, यदि वे आपको देख रहे हैं तो आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हजारों हजार मील की दूर से भी कहेंगे कि नहीं, आप जिनसे मिल रहे हैं वो मानते हैं कि सचमुच आपसे मिल करके हम बड़े प्रसन्न हैं। तो एक बार आज ही हम सभी का परम सौभाग्य है, युवा अभ्युदय 2022 की पूरी टीम दिया दिल्ली, अखिल विश्व गायत्री परिवार, देव संस्कृत विश्वविद्यालय स्वागत करता है, अभिनंदन करता है शरद विवेक सागर जी का। साथियों, शरद विवेक सागर जी एक ऐसा नाम है जिससे परिचय युवाओं को है, लेकिन आज के इस पल में जब हम उन्हें सुनने जा रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन पाने जा रहे हैं, तो एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि व्यक्तित्व की जो उपलब्धियां होती है ना साथियों, वो सच में देवत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आखिर शरद विवेक सागर जी ने इतनी कम उम्र में क्या कुछ पाया है, ये सौभाग्य मैं लेना चाहूंगा आप सबको उनका वो परिचय करा के जो पा करके हम सब भी बड़े धन्य हैं। शरद विवेक सागर जी इज अ ग्लोबली रेनाउंड सोशल एंटरप्रेन्योर, नोटेड थॉट लीडर, पावरफुल ऑरेटर एंड अ वाइडली फॉलोड इंडियन यूथ आइकन। शट आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फॉर द एज फर्स्ट ऑफ 12 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, सागर फाउंडेड द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेक्सटिटी ग्लोबल एट द एज ऑफ 16। Sagar's focus on building grassroots leadership through education opportunities and training has received global recognition. President Barack Obama invited him to the White House. Forbes listed him on Global Forbes 30 under 30 list. Rockefeller Foundation inducted him in the list of 100 next century innovator. Nobel Peace Center invited him to the Nobel Peace Prize ceremony. Queen of England included him in the Queen's Young Leader list. India's most watched television show, Kaun Banega Crorepati, invited Sharad Sagar ji as the youngest expert on the show. And after a stirring speech at Vivekananda Memorial in Baroda, India's leading media house, Divya Bhaskar, called Sagar the Vivekananda of 21st century. Sagar's organization reaches over more than 7 million young citizens across remote towns and villages of India, connecting young people with opportunities and building local role models for communities. Dexterity alumni have won major national and international awards, started their own initiatives, and received over 750 million in scholarship from topmost colleges of the world. The Dexterity's pioneering financial aid model, more than 85% of these children come from the low income family. The Telegraph observed Dexterity is the building the future of India, while Forbes noted it the equipping young people with the mentality to solve 21st century problem. Sagar's illustrious high school career made national and global news as he won over 200 local, national and international quiz and debate competitions and represented India at intergovernmental and UN platforms in over 6 different countries. Sagarji received a full scholarship to pursue his bachelor's degree in international relations at Tufts University in the United States, where he broke major university records. Sagarji was the first Indian to be selected the graduation speaker in university history. Within months of his graduation, Sagarji became the youngest in 160 years of university history to receive the Alumni Achievement Award. Sagarji received the highest Harvard Graduate School of Education grants and the prestigious K.C. Mahindra Scholarship to pursue his master's degree at the Harvard University. At Harvard, Sagarji served as the president of the student government. Michigan State University put Sagarji on its social entrepreneurship syllabus. Government of Taiwan quoted him on their social impact agenda at World Forum in Milan, Italy.
Developmental Bank Singapore quoted Sagar on his annual report. IIM Nagpur prepared a case study on Dexterity Global. Hindustan listed Sagar as one of the 100 heroes of Bihar. Prabhat Kumar featured Sagar's pioneering work as one of the 106 important movements in 106 years of Bihar. So besides his organization leadership, Sagarji is regarded as a powerful orator, a thought leader, and is invited to speak in more than 200 major states across 20 plus states in an average year. So Sagar reaches over 1 million people per month on social media and was one of the first and youngest leader in India to be verified on social media. So unfazed by global recognition and widespread popularity, Sagar considered himself a dedicated worker of Swami Vivekananda, a monk he was named after. So dear friends, it's today our great honor and pleasure. जो परिचय है वो परिचय है व्यक्तित्व का, वो परिचय है कृतित्व का, और वो परिचय है आप सबको जगाने का, आपके अंदर उत्साह उमंग को लाने का, कि आज हम सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि युवा अभ्युदय आज की इस मार्गदर्शन की श्रृंखला में आप सबके सामने एक और ऐसे ही जीवंत और जागृत व्यक्तित्व को लेकर के आया है। तो आप सबसे निवेदन है, बिल्कुल तत्पर हो जाइए, तन्मय हो जाइए, तैयार हो जाइए, और एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सभी की ओर से आमंत्रित करते हैं आज के इस युवा अभ्युदय के इस पावन अवसर पर हम सभी को अपने अनुभवों का लाभ प्रदान करने के लिए शरद विवेक सागर जी को। और साथियों महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में वो हैं और रात के बज रहे हैं लगभग 2 से ज्यादा, लेकिन उस वक्त भी ये दिया का भाव है कि वो आपको कुछ देने को आ रहे हैं। तो जाग जाइए, तैयार हो जाइए, ये पल भी जीवन को बदल सकता है। निवेदन है अपने अनुभवों को साझा करने के लिए शरद विवेक सागर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को प्रणाम करता हूँ। आज सभी लोग जो उपस्थित हैं आभासीय माध्यम से, सभी देश के अलग अलग कोने से जो भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी को नमस्कार। और गायत्री परिवार को, दिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और अपने युवा साथियों से, अपने युवा मित्रों से बातचीत करने का एक मौका दिया है। मैं जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे पहले ही थोड़े क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ आपसे 8000 मील दूर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मैं जहाँ पर हूँ अभी, लगभग रात के 2:30 बज रहे हैं। अगर मैंने आपको कुछ ज्यादा बुलंद आवाज के साथ जगाने का प्रयास किया तो आप जागेंगे या नहीं जागेंगे मुझे नहीं मालूम, पर मेरे आसपास जितने भाई बहन रह रहे हैं वो सब जग जाएंगे। तो इस कारण मेरी आवाज आपको अगर थोड़ी धीमी आ रही हो तो आप वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा भी है और आग्रह भी। आज आपसे क्या बातें करनी है ये मैंने कुछ विशेष सोचा नहीं है। बचपन की एक बुरी आदत है कि मैं भाषण कभी लिखता नहीं, संबोधन लिखता नहीं, मंच पर खड़ा हुआ करता था, बोला करता था, लोगों को देखकर पता चल जाता था वो क्या सोच रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, तो उस प्रकार से बात होती थी। जूम पर इसमें थोड़ी परेशानी आती है, सभी कोई को देख नहीं पाते। परंतु मैंने सोचा कि आज जब आपके बीच आ रहा हूं तो हम 3 यात्राओं की बात करेंगे। एक मेरी यात्रा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ जिज्ञासा है कि भाई इस कम उम्र के व्यक्ति को क्यों बुला लिया। दूसरी आपकी यात्रा, क्योंकि वहां एक ललक है, उस यात्रा के कारण ही आप आए भी हैं, हाथ जोड़े भी हैं। और तीसरी हमारी राष्ट्र की यात्रा, जो भारत की यात्रा है, और उस यात्रा के आप सभी कर्णधार बनना चाहते हैं, इस कारण आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने, जिन्हें मैंने बचपन से खूब पढ़ा, बड़े प्रेम से पढ़ा, वो उन्होंने एक समय पर लिखा था कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता नकुल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। मुझे लगता है यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं भारत में, वो स्टैंड अप कॉमेडी वालों से लेकर और बड़े बड़े मंत्री मंत्रालयों के आसपास रहने वाले लोगों तक सब यूपीएससी की मिसाल देते हैं। कुछ हंसी मजाक में दे देते हैं, कुछ प्रेरणा में देते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई उसने उस काम में ऐसा मन लगाया है जैसे यूपीएससी की तैयारी में लग गया हो। तो यूपीएससी की तैयारी तो खुद में एक मिसाल है, और मुझे लगता है दिनकर ने बड़े प्रेम से उसे कह दिया था कि लेके नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे।
तो उस भाव के साथ लोग लगते हैं। मुझसे आज से कुछ महीने पहले अमेरिका में एक मित्र ने पूछा कि भारत की ये जो कुछ परीक्षाएं हैं लाखों लोग देते हैं और कुछ 100 लोगों का चयन होता है, कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें कुछ 1,000 लोगों का चयन होता है, तो ये भारत के बच्चे कुछ और क्यों नहीं कर लेते। तो मैंने उस व्यक्ति को एक जवाब दिया जिस जवाब को मुझे लगता है कि आप भी कभी कभी तैयारी के क्रम में भूल जाते होंगे। मैंने कहा कि ये जो परीक्षाएं देते हैं वो परीक्षाएं हिम्मत वालों का चयन करती है। अब सबसे बड़ी हिम्मत तो ये है कि जानना कि लाखों दे रहे हैं, जानना कि हजारों उसके लिए योग्य हैं और कुछ 100 चयनित होंगे। तो हिम्मत की जो पहली परीक्षा है वो तो पास करें तब तो वो परीक्षा लिखने जाए, कमजोर दिल वाला व्यक्ति तो उसमें लगेगा ही नहीं। तो आप सबने तो पहली परीक्षा पास कर ली कि सब जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी यात्रा बिहार के छोटे गांवों में शुरू होती है। मेरा जन्म जीरादेई में हुआ, जो कि सिवान में आता है बिहार में। जीरादेई का रिश्ता आप सभी से है, राष्ट्र से है, विश्व से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई से आए और मैं जब पहले 12 साल तक कभी नियमित रूप से या किसी पूरी तरह से किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, जिसे आप शिक्षा के रूप में देखते हैं, किसी स्कूल में जाना, उस प्रकार की शिक्षा नहीं हुई, तो घर में पढ़ाई लिखाई हुई। तो मेरा और आपका एक रिश्ता है, जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहते हैं अखबार रोज पढ़ो। जब हमें घर पर माता पिता पढ़ा रहे थे, क्योंकि छोटे गांवों में, छोटे शहरों में अच्छे स्कूल नहीं थे या नियमित रूप से स्कूल नहीं भेज सकते थे, तो उन्होंने कहा कि समाचार पत्र रोज पढ़ना अनिवार्य है। अब उस समय कुछ ऐसी स्थिति थी कि समाचार पत्र एक दिन लेट आते थे, तब भी घर पर बैठकर हम समाचार पत्र पढ़ा करते थे और समाचार पत्रों ने पूरे विश्व में जो कुछ भी जो जानकारियां हैं जो मुझे मिली या जो अवसर हैं जिनका मैं लाभ उठा पाया, इन सब से मुझे जोड़ा। तो मैंने यूपीएससी की न तैयारी की, न कभी परीक्षा लिखा, न ऐसा सौभाग्य मिला कि आपकी तरह उस तरफ लगूं, परंतु वही समाचार पत्र जो आप पढ़ते हैं वही समाचार पत्र मैं भी पढ़ रहा था। और मैं यह कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 3 सप्ताह पहले एक छोटे बच्चे ने डेक्सटेरिटी नाम की जो संस्था है, जो संगठन है, जिसका मुझे नेतृत्व करने का सौभाग्य है, जिसके माध्यम से राष्ट्र भर में बच्चों की सेवा करने का सौभाग्य है, उसमें एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा, हम बात कर रहे थे उस समय करियर डेवलपमेंट की, तो उसने पूछा कि आपके अनुभव में करियर डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें क्या है। तो मैंने कहा एक आंख खोल कर रखो पर चकाचौंध में मत फंसो, दूसरा मन मस्तिष्क खोल कर रखो यानी दिमाग खुला रखो पर उधेड़ बुन में मत फंसो, और तीसरा विकल्प खुले रखो परंतु परिश्रम का विकल्प मत खोजो। तो ये जो 3 चीजें हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार की तैयारी में आप लगे हैं ये तैयारी किसी भी मार्ग में आपको सफलता दे सकती है। वो यूपीएससी हो सकता है, वो ऊपर नीचे की कोई परीक्षा हो सकती है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए कोई नवीनाचार हो सकता है, वो देखे हुए तपे हुए मार्ग पर चलने के लिए और अथक शक्ति के साथ आगे बढ़ने की एक ललक हो सकती है, प्रेरणा हो सकती है और एक नया मार्ग तय हो सकता है। तो बहुत सारे तरह से आप इन्हीं प्रकार की योजनाओं से आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीजों को मन में रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं जो अपनी यात्रा की बात कर रहा था, 12 वर्ष तक मैं जब ये समाचार पत्र पढ़ रहा था तो समाचार पत्र में लगभग हर दिन या हर महीने या साल में 10-12 बार तो जरूर ही कोई ना कोई ऐसी खबर आती थी कि भारत का कोई बच्चा है उसने कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती या कहीं उसे पूरी छात्रवृत्ति मिली और किसी बड़े विश्वविद्यालय में हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जैसे जगह वो पढ़ने जा रहा है। तो मेरी भी ऐसी इच्छा होती थी कि मैं भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लूं, ये छात्रवृत्तियों के लिए मैं भी उत्तीर्ण होने का प्रयास करूं।
परंतु मैं किसी भी स्कूल में नामांकन नहीं था, तो इन चीजों में भाग नहीं ले सकता था। तो मैंने एक छोटी सी आदत बनाई। स्वामी जी भी पावर ऑफ हैबिट की बात करते हैं, आप कैसी आदतें बनाते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है आपकी जीवन यात्रा पर। तो छोटा सा बच्चा था, एक छोटी सी आदत बनाई, जब भी समाचार पत्र में कोई भी ऐसी खबर दिखती थी तो भाग तो ले नहीं सकते थे, तो लिख लिया करता था कि कौन सी प्रतियोगिता है, किस महीने में होती है, कौन भाग ले सकता है और कैसे भाग ले सकता है। जितनी भी जानकारी मिल गई उतनी जानकारी लिखते जाते थे। 12 वर्ष की आयु में पटना आने का सौभाग्य मिला, जो बिहार की राजधानी है। माताजी के साथ हम पटना में रहने लगे, स्कूल में नाम लिखाया गया और अब मेरे पास एक पूरी डायरी बन चुकी थी जिसमें जितने भी अवसर हैं, जो कि किशोरों और युवाओं के लिए विश्व भर में हैं, जिन्हें मैंने अखबारों से खोज खोज कर लिखा था, इन सब में मैं अब भाग ले सकता था। तो मैंने भाग लेना शुरू किया। और ये वाली कहानी जल्दी खत्म कर देता हूं ताकि आगे की बात हो सके। लगभग 12वीं तक जब तक पहुंचा तो लगभग 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत सारे जगह भाग लेने का अवसर मिला, बहुत सारी जगह जीतने का अवसर मिला। इस पूरी यात्रा में मैंने 2 चीजों पर गौर किया। पहली बात यह थी कि मैं जब जापान गया, दक्षिण कोरिया गया, श्रीलंका गया, बांग्लादेश गया, जहां भी ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, जहां भी ये मंच थे, जहां भी मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहां से जब मैं वापस लौटता था तो 9वीं 10वीं का बच्चा क्या बताएगा। तो वापस आता था, दोस्तों के साथ बैठता था, उन्हें बताता था कि होटल कैसे थे, बताता था कि हवाई जहाज कैसे उड़ा, पर उन्हें ये भी बताता था कि वो वहां सवाल क्या पूछ रहे थे, ये भी बताता था कि वहां पर कैसे विचार रखे लोगों ने। और बहुत बार मैंने यह पाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूछा गया सवाल जो विश्व के सबसे मेधावी बच्चों से छूट गया, वो मेरे बगल में बैठा हुआ बिहार के किसी छोटे गांव, छोटे जिले से आया हुआ बच्चा उसका जवाब जानता था। तो मेरे मन में बहुत बार ये बात आती थी, बहुत बार मुंह से यह बात निकल जाती थी कि अरे तुम्हें तो वहां होना चाहिए था। पर ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से यह विचार मेरे मन में सही समय पर आ गया कि मेरी पढ़ाई और मेरे मित्र की पढ़ाई में यह अंतर है कि मुझे मालूम है कि ये अवसर होते भी हैं, मुझे जानकारी है, पहले 12 साल स्कूल नहीं गया, ये अखबारों से लिख लिख कर रखा है, इसे तो मालूम ही नहीं कि क्या क्या अवसर हैं। तो ये पहली बात थी जो मन में घर कर गई। दूसरी बात जो थी वो यह थी, इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम देखते थे कि किशोर और युवा अपने विचार रखते थे, शुद्ध पेयजल पर, शिक्षा पर, विकास पर, कुपोषण पर, अलग अलग विषयों पर। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो बाकी बच्चे होते थे, जो चुनकर आते थे, वो मेरी पृष्ठभूमि से नहीं आते थे, वो किसी पिछड़े राज्य के किसी छोटे जगह से आने वाले बच्चे नहीं थे। वो इंटरनेशनल स्कूल और वर्ल्ड स्कूल भारत में हैं बहुत सारे, या 10 12 20 भी होंगे, बेंगलोर में, बॉम्बे में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में वैसे स्कूल से आते थे, इंटरनेशनल स्कूल्स, वर्ल्ड स्कूल से। और वो बच्चे प्रतिभावान थे, परंतु मुझे लगता था कि इन्होंने तो कभी ये अनुभव ही नहीं किया है। तो अगर शुद्ध पेयजल की बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र के एक मंच पर और किशोर और युवा अपने विचार रख रहे हैं, तो बंबई में पढ़ने वाला एक बच्चा अगर गूगल पर शोध करके इस पर कुछ लिखे तो अच्छी बात है। परंतु राजस्थान के किसी गांव में रहने वाली एक बच्ची जिसने अपनी माताजी को 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते देखा है, अगर वो बच्ची चुन करके एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचती है तो उसके विचार, उसका उदाहरण और उसके अंदर का जो ओज होगा, जो तेज होगा, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नवचेतना प्रसारित कर सकता है। तो ये चीज इस कारण नहीं होती थी कि हमारे छोटे गांवों में, छोटे शहरों में छोटे बच्चों को कम उम्र से ये अवसर और इन अवसरों की तैयारी नहीं मिलती थी। और गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो हमारे अनेकानेक संस्थान हैं, वहां पर अवसर, कौशल, क्षमता का विकास, ये सब अभी, अब तो बहुत होने लगा है, उस समय इतना भी नहीं था। तो हमने तय किया कि हम डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम के एक संगठन की शुरुआत करेंगे। और डेक्सटेरिटी सिर्फ 2 काम करेगी। पहला काम यह कि कोई भी अगर अवसर है, और वो शैक्षणिक अवसर, शैक्षणिक अवसर का मतलब है उसके अंदर कला भी आ सकती है, संस्कृति भी है, उसके अंदर अगर आप
किसी भी प्रकार का, कुछ भी, विज्ञान से लेकर के खेल तक कुछ भी हो जिससे कि आपका विकास होता है, कोई भी जो शैक्षणिक अवसर विश्व भर में है, अगर वो किशोरों और युवाओं के लिए है तो सबसे पहले उन्हें मालूम होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य डेक्सटेरिटी का क्या था? वह यह था कि ये जो अंतरराष्ट्रीय मंच है या हमारे राष्ट्र की जो यात्रा है, इसका कल जो बच्चे इसके कर्णधार होंगे, इसका नेतृत्व जो बच्चे कल करेंगे, उन्हें हम आज खोजना शुरू करें भारत के छोटे से छोटे जिलों में, और उन्हें हम आज से तैयार करें वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भाग लें ऐसी प्रतियोगिताओं में, वो विश्व के इस दौड़ में आमने सामने आ पाए विश्व भर के बच्चों के साथ, वो दुनिया की सबसे अच्छे जगहों पर पढ़ें और वापस आकर अपने देश में काम करें। तो ये दो लक्ष्य के साथ हमने डेक्सटेरिटी की शुरुआत की। इस वर्ष मेरा 15वां वर्ष है संगठन की सेवा करते हुए, संगठन का नेतृत्व करते हुए, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि डेक्स कनेक्ट के माध्यम से हर महीने के पहले रविवार को हम लगभग 70 लाख बच्चों को इन शैक्षणिक अवसरों से जोड़ते ही नहीं है, इन अवसरों के लिए तैयारी करने के लिए जो भी सामग्री होती है, हर अवसर के लिए 2 तैयारी की सामग्री भी देते हैं। ये एक तरफ। दूसरी तरफ मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने भारत से जब जब युवा राजदूत चुने, जिन्हें हम अम्बेसडर कहते हैं, रीजनल अम्बेसडर्स फ्रॉम इंडिया, पिछले 10 साल में हमने 8 रीजनल अम्बेसडर्स तैयार किए ऐसे भारत से, जो संगठन से आने वाले बच्चे थे, जो कि साधारण परिवार से और भारत के छोटे गांवों और शहरों से आने वाले बच्चे थे। पिछले 10 साल में 8 एम्बेसडर्स निकले, पिछले 14 साल में 72 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति के साथ ये बच्चे दुनिया भर में पढ़ने गए, और हमने इस पूरी की पूरी यात्रा में न कभी राज्य देखा, न कभी जिला देखा, न जाति देखी, न तबका देखा। हमने बस स्वामी जी ने जिस विचार को रखा था कि हम सबके अंदर एक दिव्यता होती है, वो दिव्यता प्रस्फुटित हो सकती है, हम बस उस विचार के साथ आगे बढ़ते गए हैं। ये है मेरी यात्रा। इस यात्रा में मैंने 2 चीजें खूब की हैं जो यूपीएससी में कोई भी व्यक्ति जो तैयारी करता है वो करता है। एक, मैंने डिबेट खूब किया है, दूसरा मैंने क्विज खूब किया है। क्विजिंग और डिबेटिंग कुछ लोग या तो यूपीएससी के ध्यान से करते हैं, और नहीं तो कुछ लोग हाई स्कूल में वो थोड़ा अच्छा लगता है तो करते हैं। मैंने दोनों चीजों से कुछ सीखा है। मैंने जब क्विज करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हमारे सामने रखे हुए एक ग्लास से लेकर, एक कलम से लेकर, एक किताब से लेकर, हमारे सामने जो कुछ भी लिखा है या जो कुछ भी पढ़ा है, सब में हजारों सवाल हैं। मेरे पीछे स्वामी जी का एक पोस्टर है, तो ये पोस्टर कहाँ बना, कैसे बना, इसकी प्रिंटिंग की टेक्निक कब शुरू हुई, ये कैसे आता है, कैसे जाता है, दाम कैसे तय होता है, उस पोस्टर में 100 सवाल हैं। तो क्विजिंग ने मुझे लाइफ लॉन्ग एक क्विजर बना दिया। कभी हवाई जहाज में बैठे तो भाई एविएशन कब शुरू हुआ, तो इसकी फ्यूल की क्या इकोनॉमी है, तो ये कैसे आता है, कैसे जाता है, पूरी दुनिया का एविएशन फ्यूल कहाँ पे होता है, 50 सवाल है। क्विजिंग क्विज मास्टर के पूछे हुए सवालों से नहीं होता, क्विजिंग क्विजर के मन के आए हुए सवालों से होता है। तो क्विजर एज अ क्विजर पूरे जीवन भर में मुझे लैंप पोस्ट दिख जाए तो अच्छा, तो इसका आविष्कार तो तब हुआ होगा, पर पहली बार लैंप पोस्ट का सड़कों के किनारे कब प्रयोग शुरू हुआ, किस देश में शुरू हुआ, तो एक वो यात्रा है, उसमें खुद ही एक मजा आने लग जाता है। तो जब आप सामान्य ज्ञान के लिए, और कभी कभी वो रटना शब्द का भी प्रयोग करते हैं, रट रहे होते हैं, तो रटिए, अच्छी बात है, पर पूरी देर नए नए सवाल निकालते रहिए। दूसरी तरफ है डिबेट, वाद विवाद, वाक्पटुता, वक्तृत्व। उसमें मैंने यह सीखा, हमारे यहाँ एक बहुत खराब आदत है, जो क्विजिंग करता है वो डिबेटिंग नहीं करता है, जो डिबेटिंग करता है वो क्विजिंग नहीं करता है। ये बोलता है इसे पढ़ने में शौक है, वो बोलता है उसे बोलने में शौक है, अरे जिसने पढ़ा नहीं वो बोलेगा क्या? तो इस कारण आवश्यक है, मैं जब इन वाद विवाद के मंचों पर जाता था तो मैंने देखा कि अंग्रेजी मीडियम के पढ़े बच्चों को भाव भंगिमा बनाकर बोलना बड़ा पसंद है। तो मंच पर गए और एकदम चीख चिल्ला कर बोलना चालू, तो मैंने देखा कि जब बोलने के लिए कुछ होता नहीं है तो भाव भंगिमा ज्यादा बनती है, बात कम बनती है। तो इस कारण अनिवार्य है कि आपने पूरी दुनिया के बारे में जो सोचा है
उसको सामने स्पष्ट रूप से रख पाने के लिए आपको वक्तृत्व की शक्ति का साथ लेना होगा। सरदार पटेल से लेकर देश में कितने सारे महान लोग हुए, स्वामी जी स्वयं सबके वक्तृत्व की शक्ति बहुत मजबूत थी। कहते हैं वक्तृत्व की शक्ति राजा की शक्ति से बढ़कर होती है, तो इस कारण मेरी यात्रा में मैंने ये चीजें सीखी। तो आपकी यात्रा के लिए मेरे पास क्या विचार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं? तो एक तो जो बातें हमने सीखी कि इसी यात्रा के साथ हो सकता है कि अखबारों को पढ़ते पढ़ते मैं बाद में परीक्षा देता सिविल सर्विसेज की, परंतु उन्हीं अखबारों को पढ़ते पढ़ते अलग अलग जिज्ञासाएं अलग अलग मार्ग में लेके चलती चली गई, तो विश्वास के साथ उसमें आगे बढ़ते गए। और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि राष्ट्र निर्माण में एक भूमिका देनी है, अपनी भूमिका निभानी है उसमें, तो ईश्वर की दया से वो कर रहे हैं। अब आपकी यात्रा के लिए मेरे मन में दो शब्द आते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और भी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे, दो चीजें लेकर चल सकते हैं, एक है अभ्यास और दूसरा है विश्वास। बाहर से सुनने और बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं नहीं बड़े अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं, एकदम लक्ष्य प्राप्ति में लग गए हैं, ध्येय निष्ठा, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर वो जो अभ्यास बनाना है, अखबार पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, कुछ लिखना है, नोट्स बनाने हैं तो रोज बनाने हैं, होली के दिन नहीं बनेगा, दिवाली के दिन नहीं बनेगा, रविवार को नहीं बनेगा, शनिवार को नहीं बनेगा, आज लेट आ गए तो नहीं बनेगा, आज जल्दी उठ गए तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। तो वो एक अभ्यास बनाना होगा, और वो अभ्यास जूते के फीते को बांधने से लेकर के नोट्स बनाने तक में काम आता है। हर दिन एक धार्मिकता के साथ वो काम करना, श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन के 13वें अध्यक्ष थे, वो कहा करते थे स्टैटिक पायटी एंड डायनेमिक स्पिरिचुअलिटी। स्टैटिक पायटी क्या? हर रोज एक काम करना जो उसी भाव से करे। वो क्या भाव हो सकता है? तो कोई है जो आरती रोज करता है, कोई है जो पूजा रोज करता है, कोई है जो रोज कुछ लिखता है, डायरी रोज लिखता है, कोई है जो टहलने रोज जाता है, पर वो स्टैटिक पायटी हर दिन कोई एक काम जो अनुशासित रूप से रोज दिन करते हैं, उसी को अभ्यास कहते हैं। भारत के लोग गणित में अच्छा होते हैं ऐसा दुनिया भर में कहते हैं, अच्छा होने का कारण क्या है? रोज बैठकर सवाल बनाते हैं तो गणित का अभ्यास करते हैं रोज, तो गणित में अच्छे हो जाते हैं। जो गर्मी की छुट्टी में नानी घर चल जाता है और अभ्यास छोड़ देता है, वो गणित में फिर पीछे हो जाता है, फिर उसके बाद फिर शुरू करता है अभ्यास तो फिर बेहतर होता है। तो पहला है अभ्यास, वो अभ्यास नहीं छोड़ सकते, और दूसरा है विश्वास, विश्वास नहीं छोड़ सकते। तो वो दोनों चीज हम ध्यान से लेकर आगे बढ़े, और इस क्रम में जो आंखें खोल कर रखें, मन मस्तिष्क खोल कर रखें, और विकल्प खोल कर रखें, पर विकल्प खोलने में परिश्रम का विकल्प ना खोज लें, सारे विकल्प खोल कर रखें पर परिश्रम का विकल्प ना खोजें, मन मस्तिष्क खोल कर रखें पर उधेड़ बुन में नहीं फंस जाए। कभी कभी ये होता है हर दिन जो नई चीज आती है उसमें फंस गए, उसके पहले आंखें खोल कर रखें पर फिर वो चकाचौंध में ना जाए। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि मैं अपने घर की खिड़कियों को खोल कर रखना पसंद करता हूं, परंतु उस हवा में बह जाने से बचता हूं। आई लाइक टू कीप द डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई हाउस ओपन बट आई रिफ्यूज टू बी स्वेप्ट बाई माई फीट। तो इस कारण विश्व भर की जानकारी आ सकती है हमारे अंदर, कोई परेशानी नहीं है, दुनिया भर की सारी चीजें हमारे आसपास आ सकती हैं, ठीक है, हवा आती है, अच्छी हवा आती है, बहुत अच्छी बात है, पर उस हवा में बह जाना अच्छी बात नहीं है। तो उसको मन में रखना है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी किसी समय पर लिखा था कि हास्य रुदन में तूफानों में अगर असंख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। पर वो पीड़ा में पलने वाली जो बात है वो आवश्यक है। हमें लगता है नहीं 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 लाल बत्ती, और अब तो मुझे लगता है वो लाल बत्ती भी चली गई, तब लगता है नहीं 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 बहुत पावर होता है। तो वो पावर और लाल बत्ती के लिए वो काम नहीं कर सकते, वो काम तभी करना होगा जब लगेगा कि नहीं
हमारे पास कुछ क्षमताएं ऐसी है जिसका प्रशासनिक सेवा में उपयोग हो सकता है, और ये पद ऐसा है कि इससे हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो आपने तो किताबों को, समाचार पत्रों को पढ़कर तैयारी की है। शायद अगर आप कोई सूची बनाने बैठे तो सूची में ऐसे भी प्रशासनिक सेवक कम नहीं होंगे जो पहले कार्यालय में बैठे फिर कारावास में बैठे। पहले जेड प्लस तक लेने की स्थिति आई, फिर जेल तक जाने की स्थिति आई। तो इस कारण आप यहाँ दिया के माध्यम से या गायत्री परिवार के आध्यात्मिक संरक्षण में, आध्यात्मिक एक माहौल में है, तो ये शक्ति आपको आए, वो जो विश्वास है वो विश्वास वहां से आए कि एक तो अडिग होकर परिश्रम करना, दूसरी तरफ अडिग होकर सामने लगे रहना, पहुंच जाने के बाद भूल जाने वाली बात वो ना हो। तो अभी तक मैंने, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें कह दी हैं। मैंने 3-4 वर्ष पूर्व एक प्रशासनिक सेवक से मेरी मुलाकात हुई और वो बहुत ही दुखद मुलाकात थी, तो मैं वो अपना दुख आपसे साझा करना चाहता हूँ। उस प्रशासनिक सेवक का चयन IAS के पहले, आई और एस के बीच में कोई और अल्फाबेट आता होगा, उसमें हुआ था। उसके बाद उस व्यक्ति ने फिर परीक्षा लिखी और फिर IAS में हुआ। तो मुझे तो लगता है कि भाई भारत की सेवा करनी है। आई और एस के बीच में जो भी आता है इसे लेकर जेड तक, मैं जानबूझकर बता नहीं रहा हूं क्या है, नहीं तो फिर आप धीरे धीरे पता कर लेंगे कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे या कौन होंगी नहीं होंगी। तो आई से लेके एस के बीच में जो भी आता है, IAS IAS RA IRS सब आप जानते हैं। तो उस व्यक्ति ने पहले परीक्षा दी थी, किसी में चयन हुआ था और उसके बाद उन्होंने फिर से IAS की परीक्षा दी। तो मैंने पूछा, जिज्ञासा थी, कोई सर वाली बात मैंने बताई, मैंने पूछा कि आपने वो क्यों छोड़ दिया, IRS हो या IES हो। उस व्यक्ति ने मुझे कहा, नहीं नहीं मुझे देश सेवा करनी थी, तो इस कारण मैंने ये ले लिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि हम कैसे लोग तैयार करते हैं जो परीक्षा में 150 में उत्तीर्ण हो जाते हैं, 100 में आ जाते हैं, जिन्हें लगता है IAS से देश सेवा होती है, IRS से देश सेवा नहीं होती, IES से देश सेवा नहीं होती, बाकी माध्यमों से देश सेवा नहीं होती। तो मैंने उस व्यक्ति को बैठाया और मैंने कहा कि आपको मालूम है रामेश्वरम भारत से सिर्फ एक पुल से जुड़ा है, उस पुल को पंबन ब्रिज कहते हैं। 62 के आसपास एक चक्रवात आया, एक साइक्लोन आया और वो पंबन ब्रिज टूट गया। तो एक 30 साल के सिविल इंजीनियर को यह काम दिया गया, IES ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक ऑफिसर, उसे यह काम दिया गया कि भारत को रामेश्वरम से पुनः जोड़ना है, क्योंकि रामेश्वरम की महत्ता है भारत में। तो उस 30 साल के सिविल इंजीनियर ने पूछा जाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने गुरुओं से, अपने प्रबंधकों से कि भाई ये काम करना है, पंबन ब्रिज जोड़ना है, 180 दिन का समय है, कैसे करेंगे। सबने हंसी मजाक करके उन्हें कहा कि भाई क्या काम तुम्हें मिल गया है, 30 साल के व्यक्ति को 180 दिन में पंबन ब्रिज जोड़ना, ये काम साल भर में नहीं हो सकता, 180 दिन में क्या होगा। तो उस 30 वर्षीय अभियंता ने तय किया कि ठीक है, मैं इसमें अपने से लगता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कुछ इस प्रकार से काम में वो लग गए कि भाई अब तो करना होगा। तो लगभग 44वें दिन भारत के संसद में सवाल उठ रहा था कि भाई ये पंबन ब्रिज कब तक ठीक होगा, ये रामेश्वरम कब तक जुड़ेगा वापस। तो जो माननीय सांसद जवाब दे रहे थे उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बस 1-2 महीने में ये काम हो जाएगा, परंतु ये आप जैसे लोगों की क्षमता है, ललक है, प्रतिज्ञा है, ध्येय निष्ठा है। 45वें दिन समाचार पत्र में ये खबर नहीं थी कि माननीय सांसद क्या जवाब दे रहे थे, 45वें दिन समाचार पत्र में यह खबर थी कि पंबन ब्रिज पुनः बन गया था, रामेश्वरम भारत से पुनः संपर्क में था और एक 30 वर्षीय लड़के ने यह काम कर दिखाया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एक अधिकारी। वो आगे जाकर कोंकण रेलवे, जो दुनिया की सबसे जटिलतम रेल लाइन है, दिल्ली मेट्रो,
जो भारत के लिए गर्व है, ये सब कुछ बनाया और तैयार किया, उस व्यक्ति का नाम ई श्रीधरन है। मैंने जिस व्यक्ति ने IES या IRS ये सब इसलिए छोड़ा था कि देश सेवा करनी थी IAS में, उस व्यक्ति से कहा कि आप जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आप मार्गदर्शक हैं, आप चाहें या नहीं चाहें, आपके बगल से एक गरीब माँ जब गुजरती है तो अपने बच्चे के आंख में वो सपना देखती है, भरती है कि वो आपकी तरह कल एक अधिकारी बनेगा, वो राष्ट्र सेवा करेगा, अपनी पढ़ाई से एक पद तक पहुंचेगा और इस पद से भारत को प्रगति पथ पर डालेगा। अगर हम और आप राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण को, पढ़ाई और पद को, परीक्षा और परिणाम को इस प्रकार से नहीं समझ पाए तो फिर हम राष्ट्र के लिए क्या कर पाएंगे। तो इस कारण ई श्रीधरन के बारे में जो अंतिम बात है वो ये है कि ई श्रीधरन के ऊपर जब एक किताब लिखी गई तो उस किताब का नाम द मेट्रो मैन नहीं रखा गया, द सिविल इंजीनियर नहीं रखा गया, द ई श्रीधरन नहीं रखा गया, उस किताब का नाम रखा गया द कर्मयोगी। ई श्रीधरन एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में अपना काम करते रहे। इस कारण मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को इतनी क्षमता दें, इतना विश्वास दें, इतनी शक्ति दें कि आप अपनी क्षमता को लेकर जिस क्षेत्र में लगाना चाहें लगाएं और आप जहां जाएंगे वहां हमारे इस पुण्य भूमि भारत में हजारों लाखों चीजें हैं जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे उस शक्ति के साथ आप एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगे, आप प्रामाणिकता के साथ वहां काम कर पाएंगे, आपके आंखों के सामने आपको परिणाम दिखने शुरू होंगे जो भी काम आप कर रहे हैं उसके। तो इस कारण एक कर्मयोगी की भांति आगे बढ़ें, अभ्यास और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और UPSC के इंटरव्यू के कमरे से लेकर मीडिया के बाहर जो इंटरव्यू होते हैं उन सारे चकाचौंध के बीच में आंखें खुली रखें पर उस चकाचौंध में ना फंसे। कभी ये ना सोचें कि IAS ऐसा है तो IPS वैसा है तो IFS वैसा है, अरे वो व्यक्ति कैसा है जिसे लगता है कि इससे राष्ट्र सेवा हो सकती है उससे नहीं हो सकती, और अगर उसे एक से लगता है राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती तो दूसरे से भी नहीं होगी। तो इस कारण ये जो पढ़ाई है, ये जो पद है, ये जो परीक्षा है, ये जो प्रतियोगिता है, ये सब हमसे बड़ी है। ये इसलिए नहीं है कि एक टाई लग जाए, इसलिए नहीं है कि एक टोपी आ जाए, इसलिए नहीं है कि नाम के आगे एक टाइटल जुड़ जाए, ये इसलिए है कि हमारी ये जो महान परंपरा है उसमें कुछ और ऐसे योग्य लोग तैयार हो जाएं जो कि समाज का उत्थान कर पाए, कुछ बच्चों को स्कूल बेहतर भेज पाए, कुछ अस्पताल में दवाई निरंतर रख पाए, कुछ खेल के लिए अच्छी योजना परियोजना बना पाए, कुछ राष्ट्र के लिए मजबूत लोग तैयार कर पाए, कुछ गांवों को पुनर्जीवित कर पाए, कुछ शहरों को सही मार्ग पर डाल पाए, हमारी विदेश नीति से लेकर हमारी देश की नीति तक को सशक्त कर पाए, भारत को, राष्ट्र को प्रथम रख पाए। इस कारण हम ये रेस दौड़ते हैं। और जब ये विश्वास आपको होगा तो परीक्षा का परिणाम सकारात्मक आए या फिर एक साल और तैयारी करने का की स्थिति आए, ये भाव जब तक रहेगा तब तक काम चलता रहेगा। तब IAS नहीं तो IES, IAS नहीं तो कुछ, और नहीं तो ईश्वर की दया से हमारे पीछे और आपके आगे स्वामी जी जैसे जो लोग हैं, कोई उन्होंने परीक्षा किसी कमरे में जाकर नहीं दी, जीवन की परीक्षाएं लिखी, प्रेम से लिखी, और उसका रिजल्ट जो है वो रिपोर्ट कार्ड पर नहीं समाज में आता है। और वो मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो रिपोर्ट कार्ड आपका भी हमेशा समाज में दिखता रहे। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को खूब सफलता मिले, आप खूब आगे जाएं और आपके साथ ईश्वर हमेशा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से हम करते हैं श्री शरद विवेक सागर जी का। अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन और इससे जुड़े साथियों के लिए
जो महत्वपूर्ण समय आपने निकाला और आपके जो अनुभव जन्य शब्द थे निश्चित ही वो लोगों के मस्तिष्क ही नहीं बल्कि हृदय तक भी पहुंचे होंगे, और इसके लिए जो आपने समय निकाला, देर रात में जो समय निकाला, वो निश्चित रूप से आपका वहां पर हमसे सात समुन्द्र पार जागना आज यहाँ पर जुड़े हुए हजारों हजार युवाओं को जगाएगा और ये संदेश जन जन तक जाएगा। एक बार पुनः से बहुत बहुत आभार आपका शरद विवेक सागर जी।